por querer deshacer. Ya sé, bebé, no sientes lo mismo. Lo mismo, lo que yo sentí por ti. Yo fui solo una noche más. No más, no más, lo que lo que. कभी टाइम तो बता दो. 10 o'clock हो गए. ओ माय गॉड, दिखाना मेरे को अपनी वॉच में डिजिटल टाइम. हाँ, नाइस कबीर, वाओ. डैडी, वेयर योर वॉच एंड कम, वी आर वेटिंग. ओके गाइस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो माय नेम इज सौरभ. माय नेम इज कबीर. ओके, दैट्स गुड. एंड आई एम डैडी, ही इज माय स्वीट सन. And both of us will show you our watches. Okay. So this is my watch. Ah, this cool. This is my watch. Oh my god, lovely guys. Your yes, watch. And my watch is coolest. Oh my god. It's a projector watch. Spider-Man. I love you, Spider-Man. Oh my god, Spider-Man. Woohoo, lovely. मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना आधार कार्ड लिया, ना वॉलेट लिया. I spend my Mondays like Fridays. I spend my Fridays in a box. My heart and my whining. I put my pines on. Check this out, guys. What a beautiful clear sky today. दिल्ली NCR में रह के ऐसा sky देखना बहुत ही ज़्यादा rare है. Lockdown की वजह से ये दिखते हैं क्योंकि pollution कम है. तो गाइज, मैं निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ. और मुझे बहुत मुश्किल से ये मिला था. इनफैक्ट आप लोगों को भी लोग सजेस्ट कर रहे होंगे कि इस टाइम पे बैठिए, उस टाइम पे बैठिए, रात को बैठिए, दिन में बैठिए, शाम को बैठिए, पूरे टाइम बैठे रहिए. लेकिन फिर भी नहीं मिलता. ऐसा लगता है कि KBC का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, लेकिन आपका फिंगर जो हमेशा लेट हो जाता है. तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था. मैं काफी टाइम से, इनफैक्ट लास्ट 1 week से एवरी डे आई वॉज लॉगिंग इन मल्टीपल टाइम्स टू चेक की कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है. तो कल मैं पूरे डेडिकेशन के साथ सुबह से लेकर दोपहर को शाम तक बैठा हुआ था. और देखते देखते अचानक से मुझे दिखा कि यहाँ पे 100 स्लॉट्स अवेलेबल है. मैंने इमीडिएटली बिना कुछ सोचे समझे बुक करा दिया जो अवेलेबिलिटी थी. और आप मानेंगे नहीं कि मेरी बुकिंग तो हो गई, बट 2 मिनट के अंदर वो 100 स्लॉट्स जो है वो फुल हो गए. इतना ज्यादा डिमांड है वैक्सीनेशन की, विच इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल. लेकिन वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं अपने वैक्सीनेशन के लिए निकल रहा हूँ. ओ मैन, आई कांट गेट ओवर दिस स्काई. आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल स्काई on Delhi NCR roads, man. It's just amazing. Look at this. Wow. What a beautiful road. What a beautiful sky. ऐसा लग रहा है कि मैं नैनीताल के किसी रास्ते में ड्राइव कर रहा हूँ, नैनीताल पहुँचने वाला हूँ. बट एक्चुअली मैं कहीं नहीं हूँ, मैं नोएडा में ही हूँ. बट दिस इज जस्ट अमेजिंग. काश हमारे रोड्स जो हैं वो इतने ही खाली रहते. ये मुझे ट्रैफिक दिख रहा है. ऑलराइट गाइस, तो मैं वहाँ पे मिलता हूँ आपको. मुझे मैप्स ऑन करना है, मुझे पता नहीं है कि ये डायरेक्शन कहाँ पे है. तो मैं वहीं पहुंच के आप लोगों के साथ बात करता हूं. तो मैं पहुंच चुका हूं अपोलो हॉस्पिटल. ये मथुरा रोड में है और यहां पे जो वैक्सीनेशन है वो एक्चुअली पेड वैक्सीनेशन है, क्योंकि वही ऑप्शन मुझे अवेलेबल था. तो डबल मास्क ऑन है और इस टाइम पे हो रहे हैं 12:15. मेरा 1 बजे का स्लॉट है, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पे टोकन वाइज होगा या स्लॉट वाइज होगा. जो भी है, मैं आके आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगा और क्या प्रोसेस था. तो इस वैक्सीनेशन सेंटर में कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी और काफ़ी ऑर्गेनाइज था. सबसे पहले आपको एक हॉस्पिटल ऐप में रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक वैक्सीनेशन का स्लिप पकड़ाया जाता है. एक वेटिंग एरिया है जहां पे एक एक करके आपको बुलाया जाता है. फिर आप अंदर जाते हैं, वहां पे आपका आधार कार्ड चेक होता है. आधार कार्ड चेक होने के इमीडिएटली बाद आपको डोज लग जाता है. डोज लगने के बाद एक होल्डिंग एरिया जहां पे 30 मिनट्स आपको बैठना होता है. वहीं पे आपको वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट निकाल के दी जाती है और जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होता है, यू आर फ्री टू गो. और ये सारा प्रोसेस करने में मुझे 1 घंटे से भी कम टाइम लगा. इट्स एक्चुअली 1:14, 1:15 होने वाला है और 12:15 को मैंने एंटर किया था. तो विद इन एन आवर्स टाइम आई एम फ्री. मुझे कोई रिएक्शन नहीं है अभी तक. तो क्विकली घर चलते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कि भाई बुखार वगैरह चढ़ता है नहीं चढ़ता है. और मानसी भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, तो मैं उसे कॉल भी कर देता हूँ. You know what doctor said? What? There were so many scientists there. They said, "Are you Kabir's father?" Oh my God! I said, "Yes, of course." They said, "Take this science experiment for him." Whoa! Okay. Okay, I will open it abhi. Abhi, daddy's just come na. Let him change, sanitize. भाई साहब,
मारना चाहते हो तुम तो मानसी मुझे इतनी जान पूछ के इतनी क्या? गलत तरीके किसी से तुमने को पता हो ना कि गला ही दबा दिया ऑन है माय गॉड समबडी कैन जस्ट एक्ट लाइक दैट Hi guys, आज हम व्लॉग में बहुत लेट मिल रहे हैं बट दैट्स ओके आज का फोकस इज ऑन सौरभ बिकॉज ही इज गॉट हिज फर्स्ट वैक्सीन अभी बच चुके हैं शाम के 6 एंड अभी स्टेटस ये है कि सौरभ को थोड़ा हेडेक स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा डिजीनेस स्टार्ट हुआ है डिजीनेस मॉम को भी हुआ था सो वी कैन रिलेट टू इट तो प्लान ये है कि मैंने अब सौरभ को एक अच्छा हेड मसाज दिया है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए जाके अब वो एक वार्म शावर लेंगे तो उसके बाद खाना खाएंगे एंड देन ही विल स्लीप सब लोग ये बोलते हैं कि इन दो दिन में अगर एक्सर्शन नहीं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको ये जो पोस्ट रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो कम से कम आएंगे बट देन अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर मैं वैसे सौरभ को कुछ बोलती ऑयल मसाज कराने के लिए तो ही वुड हैव नॉट अग्रीड बिकॉज सौरभ को ऑयल्स की फ्रेग्रेंस से बहुत प्रॉब्लम है बट जब भी मैं ममा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल सौरभ को बोलती हूँ कि ये लगा लो मेरा वाला देन ही इज एब्सोल्यूटली ओके बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है ये बहुत ही लाइट है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ना ग्रीसी है ना स्टिकी है एंड प्लस अनियन हेयर ऑयल के बेनिफिट सब जानते हैं अनियन हैज बीन अ ट्रेडिशनल होम रेमेडी अनियन का जूस लोग निकालते थे बालों में लगाते थे और इतनी स्मेल आती थी बट देन इट यूज टू वर्क एज मैजिकल होम रेमेडी बट यही चीजें अब ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू अ हेयर ऑयल जिसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है सो दैट्स एक्चुअली गुड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना है कि जब भी आप अपने बालों के लिए कुछ कर रहे होते हो ना तो मेक श्योर कि आप पूरा ट्रीटमेंट एक ही ब्रांड का करो सो फॉर एग्जाम्पल आप हफ्ते में एक बार अपने बालों को एक अच्छा ऑयल मसाज दे रहे हो तो ममा अर्थ का ही अनियन हेयर ऑयल आपने यूज किया उसके बाद ममा अर्थ का ही अनियन हेयर शैम्पू यूज करो और ममा अर्थ का ही अनियन हेयर कंडीशनर यूज करो तो क्या होता है वेन दे क्रिएट अ हेयर केयर रेंज ना वो इस तरीके से एक पूरा 3-step रूटीन बनाते हैं कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं तो हम लोग क्या करते हैं हम ऑयल एक ब्रांड का ले लेते हैं शैम्पू दूसरे ब्रांड का ले लेते हैं कंडीशनर तीसरे ब्रांड का ले लेते हैं और फिर हमें लगता है यार रिजल्ट्स मिल नहीं रहे और हमें फिर प्रॉब्लम समझ नहीं आती इसी बात पे एक और बात याद आई कि ममा अर्थ ने अपनी अनियन हेयर केयर रेंज को रीलॉन्च करा है सो जैसे मैं अगर आपको इनका शैम्पू दिखाऊं तो अब इनके शैम्पू और कंडीशनर पे आप लिखा हुआ देखोगे कि दिस इज अ न्यू एंड इंप्रूव्ड रेंज तो अब इस रेंज में ऑयल है शैम्पू है कंडीशनर है बट ये न्यू एंड इंप्रूव्ड फॉर्म में है स्पेशली मैं आपको शैम्पू के बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज मैं इसे ऑलरेडी यूज कर रही हूं तो मैं दोनों का डिफरेंस बता सकती हूँ पहले वाले का और इसका 22% आपको ज्यादा फोम मिलता है एंड दैट टू विदाउट एनी सल्फेट्स एंड टॉक्सिन्स 8 times ज्यादा डिटैंगलिंग होती है बाल स्मूथ फील करते हैं 4 times कंडीशनिंग इफेक्ट आपको मिलता है एंड ओवरऑल जब आप ऑयल लगा लेते हो और फिर शैम्पू करते हो एक तो ये ऑयल बहुत ईजिली निकल जाता है मैक्सिमम ऑयल्स में प्रॉब्लम होती है कि शैम्पू से भी ठीक से नहीं निकलता तो ये निकल जाता है आपके बाल इतने स्ट्रॉन्ग हेल्दी शाइनी फील करते हैं और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आपने कंडीशनर लगा लिया तो फिर तो योर हेयर विल लुक लाइक मैजिकल सो ये जरूर चेक कर लेना ऐसा ना हो कि आप पुराना वाला ही रेंज यूज कर रहे हो बिकॉज इनकी ये जो हेयर केयर रेंज है अनियन वाली ये इतनी पॉपुलर हुई है कि सो मेनी पीपल आर यूजिंग इट दैट आई वॉज नॉट श्योर कि आपको ये पता है या नहीं द रिसेंट अपडेट ये आपको इजिली उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा उनके ऐप पर भी मिल जाएगा एंड अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए होगा तो प्लीज हमारा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा मॉमकॉम 2021 सो इसी के साथ अब मेरी बारी है ऑयलिंग कराने की और उसके बाद जाके बात लेते हैं एंड देन डे कंटिन्यू करते हैं एंड से बिंगो इफ यू डोंट से बिंगो ओके द फर्स्ट साउंड इज Oh, Kabir's pencil is broken. Kabir, take this. If you don't say bingo, I will not know who bingo. Did it first. Okay, Kabir's bingo, show me. Good. And Saurav, show yours. I got. Okay, great, but you didn't say bingo. So, the point goes to Kabir. Okay, next round. The next sound is P. 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 Come on, guys. P. Bingo! Oh, good job. I. Igloo. I. Igloo. Bingo! Yay! Good job. Okay, guys. So I'll give you a sound. You have to give me words. Okay. No, let's start. Sound is Santa Claus. Great. Sandcastle. Sandcastle. Okay, Kabir. Snow. Okay, Kabir. Sorry. Sea. Seabed. Seabed. Good. Seahorse. Good. What's seahorse? There is a horse inside the sea. I can see it. I do this. Okay. I will be like, oh,
कबीर इज वेरी हैप्पी एंड एंगेज्ड विद ऑल ऑफ हिज एक्टिविटीज और उसका लर्निंग टाइम भी वगैरह हो गया. और जहां तक मेरे रिएक्शन का सवाल है तो मुझे हल्का सा सर में डिजीनेस हो रहा है और बॉडी में हल्का सा फटीग सेट इन हो रहा है. वो हो सकता है कि मैं टायर्ड हूँ इसलिए भी हो. सो आई एम गोना कॉल इट एन अर्ली नाइट एंड आई क्विकली हैव डिनर गो ऑफ टू स्लीप एंड दीज गाइज विल ऑल्सो फॉलो. सो दैट्स इट. कीप अस इन योर ब्लेसिंग्स एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट अस एंड विल टॉक टू यू गाइज वेरी वेरी सून. टेक केयर. गुड नाइट.